और मैंने गणेश जोशी जी से, और आज मेजर जनरल सबरवाल नहीं है, वह भी उस कमेटी में रहते हैं, उनके समक्ष, सबके समक्ष मैंने कहा था धनराशि जितनी भी लगनी हो, क्योंकि ये सैन्य धाम हमारे उन सैनिकों की स्मृति में बनाया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका नाम हमेशा आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे नौजवान है, देश का इतिहास है, हमेशा उनमें अमर होना चाहिए, उनके स्मरण में रहना चाहिए। इसलिए धनराशि जितनी भी लगे लेकिन गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हमने धनराशि बढ़ाई है। साथ ही सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख की आवासीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार स्टाम्प ड्यूटी में छूट सुविधा प्रदान करने वालों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख मूल्य के स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी अनुमन्य की गई है। इसके साथ ही हमने शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन की शुरुआत की है, और शहीद सैनिक परिवारों के अवसरों की कमी को पूरा कर